कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बलिया दौरा है। आपको बता दें कि 12:05 पर सिकंदरपुर विधानसभा के चेतन किशोर के मैदान के हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे, जिसके बाद 12:15 हेलीपैड से मंच पर डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। उसके बाद विभागीय परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास को करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भी वो शिरकत करेंगे, जिसके बाद 1:35 पर हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अब खबर औरैया जिले से है, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में हुई बैठक। बैठक के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बसपा के निवर्तमान जिला सचिव शिवेंद्र सिंह ने बसपा के राज्यसभा सांसद भीमराव अंबेडकर पर रुपए लेकर टिकट दिलाने और कार्यकर्ताओं के शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। निवर्तमान जिला सचिव शिवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि बसपा के राज्यसभा सांसद भीमराव अंबेडकर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए रुपए लेकर टिकट दिलाने का काम कर रहे हैं, और इस प्रकार से बैठक में टिकट बेचने का जिन निकलने के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में हड़कंप मच गया। वहीं इस पूरे मामले में उच्च पदाधिकारी कुछ भी बोलने से साफ साफ बच रहे हैं। इसका आदेश यह है कि बीएसपी में जो भीमराव अंबेडकर एमएलसी है वो कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं, अपमान करते हैं और अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं जिले के बाहर का, केवल रुपए लेकर। और मैं अंबेडकर की घोर निंदा करता हूँ, अंबेडकर को यहाँ से हटाया जाए, मेरा पेंजी से ये एक निवेदन है। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के साथ सहयोगी दलों की एक बैठक नए साल पर संपन्न हुई, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। ऐसे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के मकसद से सपा सहित सभी सहयोगी दलों ने सपा की जीत पर चर्चा की। सपा नेता केडी यादव ने कहा कि सभी सहयोगी दलों के सहयोग से 2022 में सपा सरकार बनने जा रही है। वहीं आरएलजी नेता गंगा सिंह सेठवार ने कहा कि बूथ स्तर पर सहयोगी दल सपा के पक्ष में वोट दिलाकर समाजवादी सरकार बनाएंगे। आज नए साल पे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हमारे जितने सहयोगी दल हैं सभी लोगों को बुला करके उन लोगों से नए साल की मुबारकबाद भी दिया गया है और शुभकामनाएं दी गई है, और साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि और इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल करके उसे उखाड़ को फेंकना है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी हर समाज के लोग हैं सबको जोड़ करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करके माननीय अखिलेश यादव जी को सरकार बना करके मुख्यमंत्री बना करके इस सरकार को हटाने की ज़रूरत है। यही संकल्प नए साल पर हम लोगों ने लिया है। ये जो आज बैठक हुई है, इस बैठक की रणनीति है कि हम गाँव स्तर पर बूथ स्तर पर अपनी कमेटी सभी सहयोगी दलों के साथ गठित करके और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करके इस बार उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में भगवानपुर विधानसभा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि कश्यप एकता क्रांति मिशन द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद कश्यप एकता क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कश्यप ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्यप समाज से उनका हक देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कश्यप समाज का आभार व्यक्त करते हुए सरकार बनने पर कश्यप समाज को आरक्षण देने के प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार में पहुंचाने का वादा किया है। कहने का मौका दिया, कुछ अपनी दुख तकलीफ बताई, कुछ समस्याएं बताई, चुनौतियां बताई, उसके लिए मैं हृदय से उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं। इस संगठन का उद्देश्य मात्र समाज के लोगों को एकजुट करना। आज हमारे कश्यप समाज को दबा कुचला समाज घोषित करके भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने समाज को जो है ठगने का काम किया, हमारे समाज के साथ में धोखा करने का काम किया है। क्योंकि 2014 के चुनाव से पहले माननीय मोदी जी ने यह आश्वासन दिया था कि आप हमारी केंद्र में और राज्य में सरकार बनाओ, हम आपको आपका हक अधिकार मान सम्मान जो 17 की पिछड़ी जातियों का आपका अनुसूचित जाति का आरक्षण वो आपका लागू करवाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, कश्यप समाज को, पत्रकार साथियों को, सर्व समाज के सम्मानित साथियों को देना चाहती हूँ। नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज 2022 का आगाज़ हमारे कश्यप समाज ने, कश्यप समाज का राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन भगवानपुर विधानसभा में आयोजित करने का काम किया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो कश्यप समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रोग्राम हुआ है कश्यप एकता क्रांति मिशन के बैनर के तले हुआ है,
ये हमारी सरकार से मांग थी बीजेपी सरकार से कि हमारा समाज को आरक्षण दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक जब से केंद्र में भी सरकार बनी है उनके राज्य में भी आज तक भी कोई घोषणा नहीं की है। इसलिए मजबूरन होकर कश्यप समाज उस पार्टी के साथ जाएगा जो हमारे समाज को आरक्षण देगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम सियासी पार्टी अपने अपने एजेंडे से काम कर रही हैं और जनता को लुभाने का लॉलीपॉप दे रही हैं। तो वहीं ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल तो बरेली में बसपा के कद्दावर नेता के रूप में काम कर रहे तौफीक प्रधान को पार्टी से एकदम अलविदा कह देना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। वहीं AIMIM में शामिल होने के बाद पहली बार तौफीक प्रधान मीडिया से खातिब हुए और बसपा पर जमकर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का नहीं है पार्टी में कोई भी सम्मान, इसीलिए AIMIM में समर्थकों के साथ शामिल हुआ हूं। तौफीक ने कहा कि पूर्व में बसपा पार्टी में सक्रिय नेता के रूप में पार्टी को मजबूत कर रहे थे, लेकिन नए साल में उन्होंने बसपा को अलविदा कह दिया। बसपा में जो ओवैसी साहब ने नारा लगाया है कि कब तला दरिया बिछाओगे, तो वो कहीं ना कहीं फील भी होता था। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी दल हैं और मुसलमान जिन जिन दलों में हैं वाकई में दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने कितने सक्रिय होकर काम किया, कोई भी संदेह नहीं था, मगर कोई मान सम्मान की बात नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अपने ही दल में सही है, अपना कम से कम अपने समाज का तो कुछ ना कुछ भला करेंगे जो अपने दल में होंगे। तो राज्य मंत्री पंकज चौधरी मुरादाबाद पहुंचे, जहां मुरादाबाद में सर्किट हाउस में उन्होंने इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 19 तारीख से उत्तर प्रदेश में जो 6 जन यात्राएं निकाली गई थी, सभी जन यात्राओं में बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता में बहुत ही उमंग उत्साह दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी जीत हासिल करेगी और जनता इस जीत के लिए बीजेपी के साथ खड़ी है। देखिए 19 तारीख से उत्तर प्रदेश में 6 यात्रा निकली थी, जिसमें यात्रा नंबर 5 में मैं करीब 8 दिन और बहराइच यात्रा में 1 दिन रहा। और जिस प्रकार का मैं उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं का भी और जनता का देख रहा हूँ, निश्चित तौर से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला। कानपुर में तमंचा लेकर एक युवक का सड़क पर घूमते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल बाइक सवार एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया। चकेरी थाना क्षेत्र के सनी गवां का पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में रहने वाले सीआरपीएफ जवान झारखंड में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। वो 42 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। ऐसे में शहीद की सूचना आने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि शहीद झारखंड में नक्सल प्रभावित लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित चैनपुर पिकेट में प्रति नियुक्ति सीआरपीएफ 158 बटालियन में तैनात थे। वहीं शहीद की पत्नी प्रीति ने हत्या का आरोप लगाया है और अंतिम संस्कार नहीं करने की धमकी भी दी, जिसके बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। रात भर अधिकारी परिवार को मनाने में जुटे रहे, जिसके बाद सुबह बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर शहीद का अंतिम संस्कार कराया गया। सीआरपीएफ में हमारे सुखावाद के कठेरिया समाज से दिलीप कुमार सनोक छोटेलाल जो कि झारखंड में थे, इनकी गोली लगने से मौत हुई और इनके परिवार को मैं सांत्वना देने के लिए और उनकी मिट्टी में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। ये देश के लिए नौछावर हो गए, इनके लिए मैं दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आई जांच चाहिए मुझे। क्या शक लग रही है आपको? मुझे किसी ने गोली मारी है, परसों मुझे फोन आया था किसी ने कुछ खिला दिया है। प्रीति नाम नहीं बता पाए और फोन काट दिया था कि प्रीति मुझे किसी ने कुछ खिला दिया है और गोली इनने नहीं चलाई, किसी ने मारी है गोली, इनके ये चला नहीं सकते। देखो कितने सही लग रहा है, दाढ़ी वड़ाड़ी करके ये गोली चलाएंगे अपने ऊपर, नहीं चलाएंगे। बिजनौर में गांव मंगोलपुरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव घर के पास खेत में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ मौके पर
अधिकारी पहुंचे, उसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। ये रात करीबन 9:15 के आसपास अपनी लड़की 12-13 साल की लड़की है, उससे बोल कर कि मैं टॉयलेट करने जा रही हूँ, तो घर से नीचे उतरी, पीछे जो जहाँ घेर है मतलब घर के पीछे वहाँ लैटिन बनी हुई है, वहाँ कह गई। अब 15-20 मिनट तक अभी नहीं लौटी तो लड़की ने देखा, ऊपर से आवाज़ उवाई लगाई, अब जब लड़की को ये नहीं बोली तो फिर लड़की ने बताया। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 10 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद मोबाइल शॉप में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके कब्जे से 45 मोबाइल, 38 चार्जर, 31 डेटा केबल, 1 DVR बरामद किया है। चोरी किए गए 45 मोबाइल और उनके साथ के चार्जर में बैटरी बरामद हुआ है, एवं घटना में इनके द्वारा जो शॉप में DVR लगा हुआ था उसे भी ये ले गए थे, और DVR को इन्होंने एक नाले में फेंक दिया गया था, नाले से DVR भी बरामद हुआ है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। करीब दुकान मालिक के द्वारा जो बताया गया यह माल 10 लाख रुपये का है। खबर अमेठी जनपद के जगदीशपुर विकास खंड के अंकरा से है, जहां मंगरौली चौराहे को जाने वाली सड़क का बहुत बुरा हाल था, जिसकी खबर से उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया तो सड़क बनवाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। सड़क की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि सड़क के रिपेयरिंग का काम तो किया जा रहा है, लेकिन रिपेयरिंग में अनियमितता का मामला भी सामने आया है। ग्रामीणों ने संवेदक पर रिपेयरिंग के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सड़क की दुर्दशा ऐसी है कि उस पर चलना तक दुश्वार हो गया है। सालों बाद सड़क के निर्माण की बात विभाग ने सुनी तो सड़क की मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर मंगरौली ग्राम सभा के लोगों ने विरोध जताया। कहा कि सड़क बने तो सही से बने, नहीं तो ये भी ना बने। क्या समस्या हो रही है आपको यहाँ पे? रोडिया एकदम बनी नहीं बिल्कुल भैया, वैसे झूठे पौधा लगा के छोड़ दे हैं एकदम। तो अभी आपने किसी कंप्लेन किया है, शिकायत वगैरह किसी कहीं की? अरे हम लोग किसान मने कहाँ कंप्लेन करे जाए, क्यों सुनने वाला है हमारे लोगों के। क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? समस्या यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या समस्या है नहीं तो बताइए क्या समस्या हो रही है। समस्या आप देखिए, यहाँ पे क्या सड़क बनवाई गई है। तो इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत कहीं नहीं की गई। ठेकेदार को खुद सोचना चाहिए, शासन प्रशासन को देखना चाहिए यहाँ पे क्या समस्या आ रही है। आगरा में आज कोरोना बम फूटा है। आपको बता दें कि आगरा में 28 मरीज कोरोना के मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 57 हो गई है, और ऐसे में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन भी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहा है।